टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में जिन लोगों को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है उन सभी लोगों से खासदार श्रीकांत शिंदे ने मुलाकात की है। रेलवे ने मुंब्रा के साहू नगर और गुरुनाथ चौल में रहने वाले परिवारों को नोटिस दिया था, 7 दिन में उन्हें घर खाली करने को कहा था, मगर आज श्रीकांत शिंदे ने इन परिवार वालों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि साथ में सुधीर भगत, रविंद्र तायड़े, राजन की ने, बालाजी काकड़े, अनिश कुरैसी, शादाब शेख, अन्य तमाम लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं श्रीकांत शिंदे ने स्थानीय निवासियों को भरोसा दिलाया है कि उनके घर वो टूटने नहीं देंगे। इसके लिए रेलवे को पहले उन सभी लोगों को पुनर्वास करना होगा। साथ ही श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि लोग 70 साल से यहां पर रह रहे हैं और अब रेलवे नोटिस देकर इन्हें इनका घर खाली करने को कह रही है, मगर वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर रेलवे को ये ज़मीन वापस चाहिए तो पहले इन सभी लोगों का पुनर्वास करना होगा, उसके बाद ही ये लोग अपना घर खाली करेंगे। बहरहाल जिन लोगों को रेलवे के तरफ से नोटिस दी गई है उन सभी परिवारों से मुलाकात करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ जानकारी दी है। सर, आज आपने मुंब्रा में विजिट किया, जितने लोगों को रेलवे के तरफ से नोटिस इशू किया गया था, क्या आश्वासन आपके तरफ से दिया गया? मैं लोगों को आज इतना ही कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि रेलवे ने जो नोटिस देने का काम शुरू किया है गए 3-4 दिनों से, कल मैं कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ इस जगह पर था, वहाँ पर भी कई सारे लोगों को जो है वो रेलवे के जगह पर जो रहते हैं उनको नोटिस देने का काम जो है रेलवे ने किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मुंब्रा में हो, कलवा में हो, लोगों को बड़े पैमाने पर नोटिस देने का काम रेलवे कर रही है और रेलवे कह रही है कि 7 दिन में घर खाली करें। मेरा रेलवे से ये प्रश्न है कि इतने सालों तक जब लोग रह रहे हैं, मतलब 50-50 साल, 60-60 सालों से, तब आप क्या कर रहे थे जब ये वहाँ पर घर बन रहे थे तभी? और आज अचानक जब ही सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ बोला कि रेलवे असमर्थ है कि उनके जगह पर जो जो घर है उनको हटाने के लिए, तो हड़बड़ी में जो है सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए रेलवे लोगों को नोटिस दे रही है और डराने का काम कर रही है। मैंने रेलवे को कहा कि इसमें से सलूशन अगर निकलता है, लोगों को घर जो है, सभी लोग आज डरे हुए हैं, लोगों को आज इतने सालों के बाद, मतलब जिसकी 3-3 पीढ़ी जो है इस घर में रह रही है, उनको क्या 7 दिन में निकालोगे बाहर और उनको कुछ भी घर नहीं दोगे, जगह नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, तो ये चलेगा नहीं। लोग विरोध करेंगे लेकिन लोगों के पहले हम लोग प्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें चुन के दिया है, हम लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे लोगों के घर के बीच में और रेलवे के बीच में। और ये आसान नहीं है कि 7 दिन के अंदर घर खाली करें, इसके अंदर एक पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है, जैसे SRA पॉलिसी है, झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना जिसको हम कहते हैं कि वहाँ जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी है वहाँ पर इस योजना के माध्यम से लोगों को पक्के घर जो है वो दिए जाते हैं। उसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो वैसे ही रेलवे की जगह पर आज पूरे देश में, सिर्फ इस मुंब्रा में नहीं, कल्याण में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में रेलवे की जगह है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करो, वहाँ पर जो है डेवलपर को बुलाइए और जो रेलवे के लोग रेलवे की जगह पर रोक रहते हैं उनको पहले पुनर्वसित कीजिए, उनको घर दीजिए, फिर आपको जो करना है आपकी जगह पर आप करें। सर, कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने इस पर राजनीति का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं और आएंगे, कहेंगे हमने आपको बचा लिया। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति से परे विषय है, लोगों का घर का विषय है और पूरे कल्याण लोकसभा में जहाँ जहाँ पर लोग अफेक्टेड हैं वहाँ पर मैं खुद लोगों से मिलकर आया। कल्याण यहाँ पर तो तादाद कम है लेकिन कल्याण डोंबिवली में तो हजारों के तादादों में लोगों को नोटिस दिए, तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि अपने लोगों से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ जहाँ लोग अफेक्टेड हैं वहाँ पर लोगों को जाके मिले, उनको हकीकत क्या है उससे रूबरू करें, और जो जो अभी डरे हुए लोग हैं, अभी मुझे कहा कि 7 दिन, हम लोग 2 दिन बचे कहाँ जाए, तो मैंने उनको कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आसान नहीं है कि रेलवे तुरंत आज नोटिस निकाले कल घर खाली करे। तो रेलवे को भी हमने कहा है, रेलवे राज्य मंत्री से भी मैंने बात की है, DRM से भी मेरी बात चालू है कि इसके अंदर से एक सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन निकालने के बाद ही
जो कुछ आगे बात है वो हम करेंगे। सर एक मुमरा में और चर्चा का विषय है, मुमरा में एक्सीलेटर कल के रेलवे स्टेशन पर ये लग क्यों नहीं रहा है? जो है वो अभी खत्म अंतिम स्टेज में, वो भी अभी डीआरएम से मेरी बात हुई है। उस संबंध में लोगों को मध्य रेलवे ने जो है आरटीए में लिख कर दिया है कि नवंबर 2022 तक वो एस्केलेटर लगेगा। वो जल्द से जल्द नवंबर 2022 तक रुकने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी डीआरएम से मिल रहा हूँ। मैंने अभी फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन का जब इंस्पेक्शन किया तभी मैंने खास मुमरा के लिए, मुमरा का जो एस्केलेटर का विषय है वो डीआरएम को बताया। मैंने यहाँ पर जब डीआरएम आए थे कि ये जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि सभी स्टेशनों पर अभी एस्केलेटर लग गए, एफओबीज हो गए, खाली मुमरा स्टेशन पर बचा है, तो जल्द से जल्द होगा।